आईडी बैन, डिवाइस बैन और डायमंड रेस्ट्रिक्शन फ्री फायर का रूल है। अगर कोई फ्री फायर गेम के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ जाता है तो पनिशमेंट के तौर पे उनकी आईडी को बैन कर दिया जाएगा, चाहे मैटर नहीं करता उनकी आईडी में कितने भी रुपीस खर्च हुए हो। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर हमारे गेम में ये रूल ही नहीं होता, आईडी बैन, डिवाइस बैन और डायमंड रेस्ट्रिक्शन का, तो क्या क्या चेंजेस नजर आते हमारे फ्री फायर गेम में? आज की वीडियो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एंड बिलीव मी, ये तो कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो हम लोग ऐसे ही व्हाट टिप्स के बारे में बात करेंगे जिन व्हाट टिप्स को सुनकर आपका रिएक्शन कुछ इस तरीके का होगा। इस सीरीज का नाम है व्हाट इफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पे फ्री फायर रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट इफ, क्या होता अगर PUBG मोबाइल जो गेम है वो कभी बैन ही नहीं हुआ होता। फ्री फायर के ओनली एंड ओनली कॉम्पिटिटर था वो है PUBG मोबाइल, और आज के टाइम पे जितना फ्री फायर पॉपुलर है उतना कोई भी गेम पॉपुलर नहीं है पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ पे एक और बैटल रॉयल गेम आता है जिसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी, बट वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है कि कभी फ्री फायर को कॉम्पिटिट कर पाए। फ्री फायर का सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर था वो है PUBG, बट वो भी बैन हो गया। तो सपोज अगर PUBG कभी बैन ही नहीं हुआ होता तो फ्री फायर में काफी सारे इफेक्ट्स पड़ते। जिस स्पीड से अभी फ्री फायर पॉपुलर हो रहा है उस स्पीड से कभी भी फ्री फायर नहीं होता अगर PUBG बैन नहीं हुआ होता। तो ऑलमोस्ट 900 मिलियन डाउनलोड होने वाले हैं फ्री फायर के, और जब PUBG बैन हुआ था तब कुछ आसपास 500 या 600 मिलियन डाउनलोड्स हुए थे। जैसे ही PUBG बैन हुआ देन मोस्ट ऑफ द प्लेयर PUBG के वो फ्री फायर में स्विच कर लिए, ट्राई किए गेम को एंड उनको गेम पसंद भी आया। तो जिस स्पीड से फ्री फायर अभी ग्रो हो रहा है अगर PUBG होता अभी तक, तो मेरे हिसाब से कभी इतने स्पीड से ग्रो नहीं होता, क्योंकि जो ऑडियंस थी वो PUBG में भी थी और फ्री फायर में थी, बट यहाँ पे कॉम्पिटिटर सिर्फ अब एक ही बचा फ्री फायर। तो जितनी ऑडियंस पहले PUBG खेलती थी उनमें से बहुत सारे मैक्सिमम प्लेयर तो फ्री फायर में स्विच कर लिए हैं। तो अगर PUBG बैन नहीं होता तो जाहिर सी बात है जो फ्री फायर की ग्रोथ है वो स्लो होती, और फ्री फायर की ग्रोथ स्लो होती तो फ्री फायर कम स्पीड से भी पैसा कमाता, और कम स्पीड से पैसा कमाता तो कम स्पीड से इन्वेस्ट भी करता। हमारे गेम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कोलैबोरेशन हुआ है फ्री फायर के साथ, क्या पॉसिबल हो पाता अगर PUBG बैन नहीं होता? तो आप सोच रहे होगे ये कैसा लॉजिक, अगर फ्री फायर जिस स्पीड से भी पैसा कमा रहा है उस स्पीड से नहीं कमाता तो क्या वो इतना बड़ा कोलैबोरेशन कर पाता? नहीं कर पाता। ये सब पॉसिबल है इंस्टेंट बूस्ट की वजह से जो कि PUBG बैन की वजह से मिला है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फ्री फायर कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ कोलैबोरेशन नहीं कर पाता, कर पाता, लेकिन जितने स्पीड से अभी किया है वो कुछ समय पहले वो नहीं कर पाता। इन फ्यूचर आपको कभी कोलैबोरेशन देखने मिलता। और आप लोग सोच रहे हो कि PUBG कम बैक आने वाला है, PUBG वापस आने वाला है, तो क्या फ्री फायर में कुछ इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जितना ज्यादा आप सोच रहे हो ना उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि PUBG प्लेयर से अब फ्री फायर प्लेयर बन चुके हैं। अब वो फिर से फ्री फायर छोड़ के PUBG में मेरे हिसाब से जाना नहीं चाहेंगे। फ्री फायर अभी बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच चुका है, अब इसे ऊपर लेवल से नीचे गिराना जस्ट इम्पॉसिबल है। व्हाट इफ, क्या हो अगर फ्री फायर की साइज 50 MB कर दी जाए? अगर आपको नहीं पता, जब पहली बार फ्री फायर प्ले स्टोर पर लॉन्च हुआ था तब उसकी साइज थी सिर्फ और सिर्फ 56 MB। तो गरीना फिर से अगर फ्री फायर को 50 MB कर दे तो हमारा गेम कितना चेंज हो जाएगा? ये तो आपको पता है कि हमारा गेम चेंज हो जाएगा, लेकिन कितना ज्यादा चेंज हो जाएगा क्या आप लोगों ने कभी सोचा है? चलो मैं आपको बताता हूँ। 56 MB में पहली बार फ्री फायर लॉन्च हुआ था, मतलब 2017 में। तो 2017 में फ्री फायर कैसा था अगर आपको नमूना देखना है तो आप बैकग्राउंड में गेम प्ले देख सकते हो 2017 का फ्री फायर का। कुछ इस तरीके का गेम आपको खेलना पड़ेगा अगर गलती से गरीना 50 MB का कर देती है फ्री फायर को तो। और इस 2017 के फ्री फायर में ना ही ग्लू वॉल है, ना ही ढंग से मूवमेंट है, ना ही ढंग के कपड़े है, चड्डी और बनियान में घूम रहा है बंदा, और ग्राफिक्स के नाम पे तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। जो आप अभी बैकग्राउंड में फ्री फायर देख रहे हो ये अभी का फ्री फायर है, और इसे 2 सेकंड पहले जो फ्री फायर देख रहे थे वो 2007 का फ्री फायर है। इसमें मूवमेंट है वो कितना फास्ट मूवमेंट की तरह से गेम प्ले होता है, पहले के फ्री फायर में ऐसा नहीं होता था। अगर आप फास्ट खेलना चाहते थे तो खेल ही नहीं पाते रहे, मतलब इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो टाइम पे उसे ग्राफिक्स इतने ज्यादा हाई नहीं थे। और चलो मान लेते हैं कि फ्री फायर ने 50 MB का कर दिया फ्री फायर को फिर से, तो आपके गेम में जितने भी गन स्किन्स है, ड्रेसेस है, जितने भी आपके अकाउंट में है वो सब वैनिश हो जाएंगे, क्योंकि हर एक गन स्किन का, हर एक ड्रेस का एक्सपेंशन होता है, उसकी भी साइज होती है। आप लोग का भी क्लियर डाटा करना और आप लोग अपने ड्रेस को पहनना, वहाँ पे बोलेगा कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ड्रेस, तो ड्रेस के भी साइज होती है। आप लोग ये भी बोल सकते हो कि जो आप ड्रेस पहन रहे हो ये भी फ्री फायर के साइज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। बट कभी फ्री फायर 710 MB से डायरेक्ट 50 MB का हो जाता है तो देखना बड़ा अमेजिंग होगा कि फ्री फायर का एक्चुअली होगा क्या। फ्री फायर का जो मालिक है वो शायद डायरेक्ट रोड पे ही आ जाए, क्योंकि 2017 का फ्री फायर इतना खतरनाक था, उसके ग्राफिक्स इतने खतरनाक थे कि आप लोग खेलोगे एक गेम दो गेम तो उसके बाद खेलना ही छोड़ दोगे। व्हाट इफ, क्या होता अगर हमारा रीजनल है, ये पहले ग्लोबल हुआ करता था, तो ये ग्लोबल से रीजनल हुआ, तो अगर ये ग्लोबल से ग्लोबल ही रहता तो आज हमारे गेम में क्या क्या चेंजेस नजर आते? फ्री फायर ने ग्लोबल से रीजनल इसलिए किया था क्योंकि ग्लोबल लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ इंडियन सर्वर के ही प्लेयर नजर आते थे,
बाकी सर्वर के जो प्लेयर होते थे उनको मौका मिलता ही नहीं था ग्रैंड मास्टर टॉप वन पहुंचने के लिए। अगर फ्री फायर फिर से ऐसा कर दे रीजनल से ग्लोबल, मतलब सब लोग ग्लोबली रेस करेंगे ग्रैंड मास्टर टॉप वन के लिए, ब्राजील सर्वर के लेजेंड, इंडोनेशिया सर्वर के लेजेंड, मीना सर्वर के लेजेंड और इंडिया सर्वर, जितने भी सर्वर है सब लेजेंड एक दूसरे से फाइट करेंगे, क्लैश करेंगे कि मैं टॉप वन जाऊंगा मैं टॉप वन जाऊंगा, बट इन द एंड इंडियन सर्वर ही जीतेगा, क्योंकि पहले भी इंडियन सर्वर के ही प्लेयर्स टॉप वन में नजर आ जा रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग की 30 बंदे तो आप लोग ग्रैंड मास्टर में इंडिया सर्वर की नजर आ जा रहे हैं, स्पेशली इंडिया और नेपाल के। तो जो बाकी प्लेयर्स एक बार ट्राई करेंगे बीट करने की, दो बार ट्राई करेंगे, लेकिन तीन चार बार ट्राई करने के बाद सोचेंगे यार इनको बीट करना इम्पॉसिबल, फिर वो ग्रैंड मास्टर पुश करना ही छोड़ देंगे। और गरीना ये कभी नहीं चाहेगा कि हमारे जो प्लेयर्स है वो ग्रैंड मास्टर पुश करना छोड़ दे, क्योंकि ग्रैंड मास्टर जो पुश करता है वो घंटों घंटों तक गेम खेलता है, और घंटों घंटों तक गेम खेलना मतलब जितना घंटा गेम खेलना उतना गरीना को पैसा, उतना ज्यादा प्रॉफिट। और इसी कारण के वजह से पहले ग्लोबल से रीजनल हुआ। व्हाट इफ, क्या होता अगर फ्री फायर कहीं 2017 के फ्री फायर को कहीं पे अवेलेबल कर दे, लाइक फ्री फायर में कोई ऐसा मोड आ जाए स्पेशल जा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2017 की मेमोरीज हो, पूरा गेम प्ले 2017 का हो, तो क्या क्या चेंजेस नजर आते हैं। सबसे पहला चेंज ये है कि जो पुराने प्लेयर्स होते उनको उनकी मेमोरी मिल जाती है वापस, कि वो 2017 का फ्री फायर किस तरीके से खेलते रहे, तो आप लोग भी उनकी मेमोरी को एंजॉय कर पाते क्योंकि आप लोग भी वो फ्री फायर अवेलेबल हो जाता ना। और गरीना को एक तरफ से प्रॉफिट भी होता और एक तरफ से नुकसान भी होता। प्रॉफिट इसलिए होता क्योंकि फ्री फायर का हर एक प्लेयर चाहता है कि 2017 में जैसा फ्री फायर था वो एक बार जरूर खेले, और जितना खेलोगे उतना पैसा मैंने आपको पहले ही बता रखा है। बट पहले फ्री फायर को काफी सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर उनके पास 2017 का सिस्टम प्रोग्रामिंग सब अवेलेबल होगा तभी वो ऐसा मोड बना पाएंगे, लेकिन अगर उनके पास अवेलेबल नहीं होगा तो ये इम्पॉसिबल टाइप है। बट पॉसिबल हो सकता है अगर गरीना बहुत पैसा उसमें इन्वेस्ट करे तो डिटो उस प्रोग्रामिंग की कॉपी बना सकता है, लेकिन ये कहना मुश्किल है जितना फ्री फायर ने उस मोड पे इन्वेस्ट किया है क्या वो उतना ही प्रॉफिट कर पाएगा। ऑब्वियसली बात है जो ओल्ड प्लेयर्स है वो जरूर खेलेंगे मोड को, लेकिन दिन भर उस मोड को थोड़ा ना खेलेंगे, एक दो मोड खेलेंगे मेमोरी पैक करने के लिए, और आप लोग बस एक दो गेम खेलोगे क्योंकि उनके ग्राफिक्स थे पहले के 2017 के फ्री फायर के वो बहुत बेकार थे, मूवमेंट भी काफी सड़ा सा था आपको पता ही है, ना ग्लोबल था ना ग्रेनेड, तो क्या खेलते आप उस गेम को, और सिर्फ बीसी प्लेयर्स होते थे वहां पे, मतलब एज कम्पेयर टू बोरिंग फ्री फायर ही था। एक दो गेम खेल के आप लोग खुद बोर हो जाओगे, तो एक तरीके से रिस्क होगा फ्री फायर के लिए, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करके उन्होंने ये एक मोड बनाया है बट रिस्पॉन्स बेकार। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे बेल पे जरूर से सेट कर दीजिएगा। व्हाट इफ, क्या होता अगर फ्री फायर में किसी की आईडी बैन नहीं होती, फ्री फायर में किसी का डिवाइस सस्पेंड नहीं होता, और फ्री फायर में कभी किसी के अकाउंट में डायमंड रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगता। सबसे पहला चेंज, फ्री फायर नहीं रहता, फ्री फायर एक हैकर फायर बन जाता है, क्योंकि इस गेम में आप लोग हैक करो और गेम खेलो तो कोई भी चांसेस नहीं कि आपकी आईडी बैन हो। आईडी बैन होती है तो हम लोग न्यू आईडी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्री फायर ने डिवाइस बैन भी कर रखा है। अगर आप लोगों के डिवाइस बैन होता है तो आप लोग उस डिवाइस में जिस फोन में आप खेल रहे हो उसमें आप लोग फ्री फायर कभी नहीं खेल पाओगे। बट डिवाइस बैन भी चलो सिस्टम है ही नहीं फ्री फायर में, तो कोई बंदा आएगा अगर नत्थू कह रहा हैक करेगा और खेलते रहेगा तो कोई ऐसा शरीफ तो नहीं रहेगा जो फ्री फायर को नॉर्मली खेलेगा, कोई नहीं खेलेगा ना, सब हैकर बन के खेलेंगे, और फ्री फायर में हैकर वर्सेस हैकर होगा, और यहाँ पे ये देखा जाएगा कि किस बंदे का हैक कितना ज्यादा पावरफुल है, जिस बंदे का हैक जितना पावरफुल होगा वो बंदा उस मैच को जीतेगा। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं कभी देखना चाहूंगा हैकर वर्सेस हैकर। और बात रही डायमंड रेस्ट्रिक्शन की, अगर आप लोगों के पास 80 रुपए भी है तो आप लोग 80 का टॉपअप करोगे आपको 100 डायमंड मिलेंगे, फिर आप लोग रिफंड ले लोगे, ऐसे ही करते करते आप लोग ना जाने अनलिमिटेड डायमंड खरीद सकते हो। 80 का टॉपअप करो फिर रिफंड लो, 80 का टॉपअप करो रिफंड लो, आपके पैसे वापस मिलेंगे और आपको डायमंड भी आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपके डायमंड रेस्ट्रिक्शन भी नहीं लगेगा, तो फिर आप बन जाओगे ना डायमंड किंग, और जो फ्री फायर का मालिक होगा वो सड़क पे आ जाएगा कि ये क्या हो गया मेरे गेम के साथ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे, और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो भाई लोग हम मिलते हैं और इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।